हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह कि कुमारी सैलजा नाराज हैं। टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप को तरजीह दी गई और इसी से उनकी नाराजगी सामने आई है। हुड्डा कैंप के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट देने से नाराज बताई जा रही है। करीब एक हफ्ते से प्रचार में नहीं दिखी है कुमारी सैलजा, अपने समर्थकों से रोज मिल रही है। हालांकि आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आशीष के पास। आशीष, क्या चल रहा है कुमारी सैलजा के मन में, क्या सोर्स आपके बता रहे हैं? देखिए, कुमारी सैलजा के करीबी सूत्रों से मेरी बात हुई है अखिलेश, और एक हफ्ते से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करीबन एक हफ्ता हो गया जब से कि वो लगातार चुनाव प्रचार से बाहर हैं, जबकि पिछला दो महीना और तीन महीना आप देखें तो लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। पैरेलल चुनाव प्रचार कुमारी सैलजा का चल रहा था अखिलेश, और दीपेंद्र हुड्डा का चल रहा था। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा था कि वो इच्छा रखती हैं कि इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का मौका उनको मिले। उनके करीबी सूत्रों का ये कहना है कि रिपीटेड अश्योरेंस दिए गए थे पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि इस बात का ख्याल इस बार रखा जाएगा कि किसी एक कैंप का प्रभुत्व ना हो, लिहाजा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मुझे उनके करीबी सोर्सेज बताते हैं कि इस बात से वो बड़ी नाराज़ हैं कि इस अश्योरेंस पर कायम नहीं रही पार्टी लीडरशिप, और कहीं ना कहीं ज़्यादा जो तवज्जो दिया गया है वो हुड्डा कैंप को दिया गया है। हुड्डा कैंप के उनके समर्थक, उनके लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई है, और इस नज़रअंदाजी जो की गई है उनकी, इससे वो नाराज़ हैं। इसी वजह से आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते से उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, किसी कैंपेन में वो नहीं गई हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वो घर पर ही हैं, और उनसे मिलने उनके करीबी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल, सीएम पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ ही गई थी, पहले उस तरीके के बयान भी सामने आ रहे थे। कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, और इस खबर के बीच बीजेपी का हमला सामने आ गया कि किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ाती कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस में पटखनी देने का खेल जारी है, ये बीजेपी ने कहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत तय है। तो किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ाती है कांग्रेस, ये कहना बीजेपी का। हरियाणा में तो कांग्रेस की ये हालत है, वो जान चुकी हैं कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हारने जा रही है। वहां एक अखाड़ा है जिसमें एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को ही निपटाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा। सीधे अंकित गुप्ता के पास अब चलते हैं। अंकित, देखिए तस्वीर वही सामने आ रही है कि अगर अंदर खाने कांग्रेस में कुछ गड़बड़ी है तो बीजेपी देखिए किस तरीके से फायदे में अब दिख रही है। बीजेपी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है, पहले दिन से ही कह रही है कि कांग्रेस की जो अंतर्कला है वही जो है कांग्रेस की लुटिया डुबोएगी। इस तरीके के भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कई नेताओं के द्वारा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ तौर पर है, जिस बात का जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे कि हुड्डा कैंप और शैलजा कैंप, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। यहां तक कि जो कांग्रेस के नेता है वो भी ये जरूर कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ लीडरशिप में मतभेद होता है, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सब एक साथ मिलकर के खड़े होते हैं, यानी कि मतभेद की खबरों से वो भी इंकार नहीं करते हैं। और अखिलेश, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी जब टिकट बंटवारे को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही थी, अभी आशीष ने बताया भी कि किस तरीके से वहां पर कुमारी शैलजा ये चाहती थी कि उनके उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए, और नहीं जो तरजीह तो कम से कम बराबरी का जो है उनको भी हक मिले। लेकिन जब जो टिकट बंटवारा हुआ है तो करीबन 10% ही उम्मीदवार कुमारी शैलजा कैंप के बताए जा रहे हैं, और करीबन 80-85% उम्मीदवार कहा जा रहा है कि हुड्डा कैंप के हैं, और यही बात कुमारी शैलजा को नागवार गुजरी है। लेकिन अखिलेश, क्योंकि अभी आपने जो बीजेपी का जिक्र किया, तो मैं आकाश आनंद जो कि जो बसपा के नेता है, उनका भी एक जो है जो पोस्ट आया था वो उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा जी बीजेपी की ज्वाइन कर ले, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है, क्योंकि उनका कांग्रेस में अपमान हो रहा है। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीएसपी की तरफ से जो कि जो है इनेलो के साथ में गठबंधन में है, वो भी कुमारी शैलजा को लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है, और यही कह रही है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, और शैलजा को बसपा में ज्वाइन करने का ऑफर तक दे रही है बसपा। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।